नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं वो अब दरोगा जी को भी टक्कर दे रहे हैं। अब टक्कर कैसे दे रहे हैं वो भी जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले इतना जरूर जान लीजिए कि बिहार में बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की जो परीक्षा ली जा रही है, या फिर यूं कहें कि पहले चरण की जो परीक्षा ली गई उसके बाद सभी को स्कूल में योगदान देना हुआ, सभी की पोस्टिंग भी हो गई। ऐसे में बिहार में आपको पता है कि खासतौर पर अगर बिहार की हम बात कर लेते हैं, जहां दहेज बंदी की बात सरकार के द्वारा कही तो जाती है, लेकिन जब बात दहेज लेने और देने की आती है तो यहां कॉलर टाइट किया जाता है और इस बात को दर्शाया जाता है कि हमारा बेटा तो सरकारी नौकरी में है। मतलब बिहार के कुछ हिस्सों में भी आज के दौर में भी 21वीं सदी में भी सरकारी नौकरी होने का मतलब दहेज की वसूली समझा जाता है, और यही कारण है कि बिहार में फिलहाल दहेज का रेट चढ़ा हुआ है। जानते हैं कैसे टक्कर दे रहे हैं बीपीएससी वाले शिक्षक दहेज में। दरअसल बिहार में दहेज का रेट जो चढ़ा हुआ है, जो लिस्ट हम आपको बताएंगे, जो बताएंगे कि किसका क्या रेट चल रहा है, उसमें दरोगा जी के बराबर में ही लगभग बीपीएससी शिक्षकों का रेट चल रहा है। आईएएस आईपीएस का तो खैर मुंह मांगी कीमत दी जाती है दहेज में, लेकिन और भी कई अफसर हैं, और भी कई सरकारी महकमे में लोग हैं जो नौकरी पाने के बाद अपना रेट फिक्स किए हुए हैं, या उनके द्वारा, उनके घर वालों के द्वारा उनका रेट फिक्स कर दिया गया है। अब देखिए क्या कुछ है, और हम क्यों कह रहे हैं कि दरोगा जी पर बिहार के बीपीएससी शिक्षक भारी पड़ने लगे हैं, या यूं कहें कि उन्हें टक्कर देने लगे हैं। दरअसल सरकारी नौकरी करना मतलब भगवान से भेंट करने के बराबर है। आमतौर पर बोलचाल में लोग इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर बीपीएससी से सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, इसके अलावा कुछ ही की होने वाली है। राज्य के दूसरे विभाग में भी बंपर नियुक्तियां चल रही हैं। पड़ोसी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश और झारखंड में इतने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां हाल फिलहाल में नहीं दी जा रही हैं। इसका नतीजा है कि दहेज के बाजार में बीपीएससी वाले मास्टर साहब का भाव बिल्कुल एकदम टाइट है। पूर्वांचल जैसे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी होता है। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको लड़की वाले भाव नहीं देते हैं। टॉप क्लास की ही जॉब क्यों ना करते हो, सरकारी वाला चपरासी यानी फोर्थ ग्रेड भी सब पर भारी है। दहेज के बाजार में सबके रेट की अगर बात करें तो अब आपको हम एक लिस्ट दिखाते हैं, और इस लिस्ट को देखने के बाद आप समझ जाएंगे ये क्या हो रहा है और किस प्रकार दहेज का रेट चढ़ा हुआ है। अब देखिए दूल्हे का रेट क्या चल रहा है। फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की बात हम करते हैं, सबसे पहले 5 से 6 लाख और 1 लाख तक की बाइक चल रहा है, इनका रेट है दहेज का। क्लर्क की बात करें तो 10 से 12 लाख दहेज और बाइक जो है 1.5 लाख से ज्यादा की। बैंक पीओ 18 से 20 लाख इनका रेट है, और कार 8 से 10 लाख की इनको अलग से चाहिए। दरोगा जी की बात कर लेते हैं, 18 से 20 लाख इनको दहेज चाहिए, मतलब रेट इनका यही है। इसके अलावा 8-10 लाख की एक कार भी चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कितना हो जाता है। अब आते हैं बीपीएससी चयनित शिक्षक पर, 15 से 18 लाख इनका भी रेट है, और ये रेट सिर्फ यहां आंकड़ों में है 15 से 18 लाख। डिमांड तो खैर कितना किया जाता है और कितना तो ज्यादा इससे मिल जाता है वो आप जानते होंगे। इसके अलावा इनको एक SUV कार भी 15 लाख की चाहिए, मतलब 15 से 18 के बीच तो इनका दहेज का रेट है। इसके अलावा 10-15 लाख की इनको कार भी चाहिए, 15 लाख से कम में SUV नहीं आती है, तो 15 लाख के कार भी चाहिए। सरकारी इंजीनियर है अगर बिहार में तो 28 से 30 लाख इनका दहेज का रेट है, 15 लाख की कार इनको भी चाहिए। सरकारी इंजीनियर है केंद्र के अगर अधीन है सरकारी इंजीनियर के तौर पर तो 25 से 30 लाख और 15 लाख की कार। BDO CEO है तो 30 से 35 लाख दहेज लेंगे, इसके अलावा 15 लाख की कार ये भी लेंगे। SDO SDPO है तो 50 लाख तक की बोली लग रही है, और स्कॉर्पियो सफारी इनको गाड़ी के रूप में चाहिए। अब IAS IPS की बात कर लीजिए, IAS IPS का तो मुंह मांगा रकम मिलता है, IAS IPS की तो कोई बोली लगती नहीं है क्योंकि इनका रेट तो फिक्स होता नहीं है, करोड़ों में बातें चली जाती हैं रह रहकर। तो बिहार में फिलहाल दहेज का जो रेट चढ़ा है, उस दहेज के रेट में बिहार के बीपीएससी शिक्षक दरोगा को टक्कर दे रहे हैं। 18 से 20 लाख उनका भी रेट है और 15 से 18 इनका भी चल रहा है। आप समझिए कि जब रेट इतना आंकड़ों में है तो जहां मांगा कितना जाता होगा। इसके अलावा कई विभाग हैं जिसके हमने आपको आंकड़े बताए हैं कि किसका क्या रेट चल रहा है, और दहेज के बाजार में दूल्हे का जो रेट फिलहाल है बिहार में चढ़ा हुआ है। और जिस बिहार में बार बार शराबबंदी के बाद दहेज बंदी की बात नीतीश कुमार चिल्लाते रहे हैं, बार बार इस बात की ओर इशारा करते रहे हैं कि दहेज लेना और देना पाप है, यहां तक कि शपथ पत्र भरवाए जाने की भी बात पिछले दिनों महीनों कही गई थी, हालांकि सालों से यह बात चल रही है, एक फॉर्म भी बाकायदा निकाला गया था कि इस फॉर्म को शपथ पत्र के रूप में भरना होगा और दहेज लेने वाली शादी में आपको नहीं जाना है, दहेज लेते पकड़े जाते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी, ये तमाम बातें हैं। लेकिन इस दिशा में कार्रवाई होते हुए हमने आज तक नहीं देखा, एक भी कार्रवाई नहीं देखा दहेज लेने और नहीं दहेज देने के एवज में किसी को कोई सजा मिली हो या किसी पर कोई कार्रवाई हुई हो। तो खैर ये बातों में रह गई, और इस बातों का असर देखिए बिहार में ये हो रहा है कि दहेज लेना और देना नहीं रुक रहा है, और यही कारण है कि दहेज का रेट जो है चढ़ा हुआ है, और मास्टर साहब का रेट फिलहाल बिहार में
वाकई सर चढ़कर बोल रहा है और मास्टर साहब की चांदी हो पड़ी है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ, धन्यवाद।